अपने दर्शकों को बता दें कि पीओके की घर वापसी होगी, ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की बात सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वो दिन कभी भी आ सकता है जब पाकिस्तान को पीओके छोड़कर भागना होगा। उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। और ये कसक है तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान पीओके छोड़कर भाग नहीं जाता, जान दे देंगे इसके लिए। इतना सख्त स्टैंड है हिंदुस्तान की हुकूमत का अचल मल्होत्रा साहब, इसलिए ये बात पाकिस्तान को बखूबी समझ में आनी चाहिए कि ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि पीओके की घर वापसी होने वाली नहीं। समेत साहब देखिए, पाकिस्तान बहुत बखूबी जानता है इस बात को कि भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, भारत सरकार का डिटर्मिनेशन क्या है, और भारत सरकार ने ऑलरेडी कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे साफ जाहिर कर दिया है कि हमारी जो अल्टीमेट गोल वो यही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पूरी टेरिटरी को वापस भारत के साथ इंटीग्रेट करना है। हमने आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया है वो उस दिशा में एक कदम है इन ए वे, क्योंकि ये इससे एक साबित किया हमने कि एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो तो उसको तो हमने इंटीग्रेट कर लिया अपने आप में। अब सिर्फ सवाल सिर्फ फिजिकल इंटीग्रेशन की बात है, उसके लिए एक माकूल माहौल की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान में ऑक्यूपाइड कश्मीर की आवाम में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, अब वो वक्त आ गया भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार भी खुल के वहां की मूवमेंट को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट डिक्लेयर कर देनी चाहिए। हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू, आई मीन विदाउट मिलिट्री ऑप्शन को छोड़ के फिलहाल हर वो संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से उन्हें इस तरह का पूरी इत्मीनान होना चाहिए वहां की आवाम को कि जरूरत पड़ने पे भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। और अगर कल वो पाकिस्तान, लेकिन चीन से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए? अब अचल मल्होत्रा साहब, चीन को जो ये बताया गया है कि आप ये जो सीपेक प्रोजेक्ट का काम करवा रहे हैं ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, वो जमीन हमारी है, अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, ये फिर समझाया गया चीन को? देखिए समीर साहब, ये बात पहली बार नहीं, बार बार हमने चाइना को समझाई है, चाइना इस बात को रियलाइज करता है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल में सीपेक के खिलाफ भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट बन के आ रहा है। अभी 9 इंजीनियर जो चाइना के मारे गए अब ब्लास्ट में, तो वो अपने आप को दर्शाता है कि अब वहां रेजिस्टेंस है, क्योंकि आम जनता को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि एट द एंड ऑफ द डे उनकी नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिच रिसोर्सेज है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसका फायदा जो है चाइना को जाने वाला है। तो ऐसे में बेस्ट सिचुएशन सिनेरियो यही होता है कि अगर वहां के बाशिंदे, वहां के लोग अगर वही खड़े हो जाएंगे उठ के इसके बाद, तो फिर हमारा काम जो होता है थोड़ा आसान हो जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।